हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली इडली और डोसे के लिए बैटर विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वजह से ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट प्लीज़ आप इसको पूरा देखिए। तो आइए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता। 4 कप राइस, 1 कप दाल, मैं 4 कप के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ये है उसना चावल जो भूसे के अंदर ही पकाया जाता है, इसे पार्बल राइस भी कहते हैं और ये नॉर्मल राइस है। ये 2 कप्स है और उसना चावल भी 2 कप्स है, कम्प्लीट 4 कप्स है। आप कोई भी चावल ले सकते हो, चाहे उसना चावल या नॉर्मल चावल, बट 4:1 होना चाहिए। और उड़द दाल है 1 कप, उड़द दाल 1 कप से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने मेथी दाना लिया है, दाना 1 टीस्पून है। उसके बाद मैंने ये पके चावल लिए जो कप से 2 कप है, और ये पोहा है। आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करना है, या तो पोहा या तो दाल, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। पोहा भी ले सकते हो, चावल भी। अगर आप पोहा लोगे तो पीसने के आधे घंटे पहले भिगो देना, अगर चावल ले रहे हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं चावल यूज़ कर रही हूँ, ये है उसना चावल, पार्बोल राइस 2 कप है। मैं इसको धो के भिगाऊंगी। हमें सारे चीज़ों को अलग अलग भिगोना है। उसना चावल वो चावल है जो भूसे में ही पकाते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, इससे इडली बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ चावल को धो लिया है और भिगो के रख दिया। अब मैं नॉर्मल राइस भिगो रही हूँ, ये भी 2 कप हैं। इसको भी मैं पानी से अच्छे से धोऊंगी, धो के इसमें मैं मेथी के सीड्स डालूंगी। मेथी के सीड्स में बीटा ग्लूकोस के कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में मदद करते, जिससे इडली फूली फूली और मुलायम बनती। मेथी के बीज बैटर को चिपचिपाहट देते हैं, जिससे हमारी इडली और डोसा अच्छे से बनते। अब ये भीग गए, इनको मैं 5 घंटे के लिए भीगने छोड़ दूंगी। अब ये दाल है, इसको मैं पीसने के जस्ट 2 घंटे पहले भिगोंगी। दाल और चावल के साथ नहीं भिगोंगी, हमको दाल को ज़्यादा देर नहीं भिगोना है। ये चावल को भीगे हुए 5 घंटे हो गए और मैंने इसको जस्ट 2 घंटे पहले भिगोया है, और अब ये मेरा चावल है। अब मैं अपना बैटर बनाना रेडी करूँगी। मैं पोहा नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अगर हमारा दाल ज़्यादा देर भीगता है तो बैटर गीला गीला बनता है, और हमको बैटर ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। हमको दाल को सिर्फ 2 घंटे पहले ही भिगोना है। अब मैं चावल पीसना स्टार्ट करूँगी। मैंने चावल का जो पानी है उसको बाउल में निकाला है, उसी पानी को मैं ग्राइंड करते समय यूज़ करूँगी। ये पारबॉयल राइस है, उसना चावल है, सबसे पहले मैं इसको पीसूँगी। इसको मैंने अभी डाला है जार में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। पीसते समय हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये मेरा बैटर कम है, इसलिए मैं नॉर्मल वाटर यूज़ कर रही हूँ, पर जब मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्राइंड करती हूँ तब मैं फ्रिज का पानी यूज़ करती हूँ। फ्रिज का पानी यूज़ करने के 2 फायदे हैं। एक तो हमारा मिक्सी गर्म नहीं होता है, कभी कभी हम लोग ग्राइंड करते समय हमारी मिक्सी अचानक गर्म हो जाती है। दूसरा, हमारा बैटर में खट्टापन नहीं आएगा। तो मैं ये ग्राइंड कर ली हूँ, अब मेरे को ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी की आवश्यकता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बार और ग्राइंड कर लेती हूँ। अब मेरा बैटर बन के रेडी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी बर्तन में। बर्तन हम थोड़ा सा बड़ा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फूल के दुगना हो जाता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बर्तन चूज़ करना। मैं ग्राइंड कर रही हूँ नॉर्मल राइस, इसमें से मैंने हाफ़ लिया है, हाफ हम लोग लेंगे। अब मैंने इसमें डाला है हाफ नॉर्मल राइस विथ मेथी सीड्स डाल के मैं इसको एक बार ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप डोसे का बैटर ज़्यादा दिनों के लिए बना रहे हो, जैसे कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा, तो आप इसको ग्राइंड करके विदाउट फर्मेंटेशन आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देना, और जितना आपको बनाना है उतना आप निकाल के बना लेना। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हमारा कुक्ड राइस, ये मैंने आधा लिया है। ज़्यादा लेने से वो ग्राइंड करने में प्रॉब्लम जाता है, इसलिए पहले मैंने आधा लिया है और आधा मैं नेक्स्ट बैच में डालूँगी। डाल के मैंने अभी ये ग्राइंड कर लिया है, और थोड़ा सा पानी की रिक्वायर है तो मैं पानी ऐड की हूँ। हाँ, तो मैंने कहा अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए बनाना है, रखना है, तो आप उसमें विदाउट फर्मेंटेशन फ्रिज में रखोगी और एयर टाइट कंटेनर में रखोगी, और जितना ज़रूरत है उतना निकाल के फर्मेंटेशन के लिए रख देना। अगर फर्मेंट हो गया हुआ बैटर है, मतलब खमीर उठा हुआ बैटर है, तो आप उसको 4-5 दिनों के लिए चला सकते हैं। अब मैं नॉर्मल राइस जो आधा बचा था उसको लिया है, उसको भी मैं ग्राइंड करूँगी, और उसमें भी बाकी बचा हुआ अपना कुक्ड राइस डाल के उसको ग्राइंड कर लूँगी। तो हमारा ये नॉर्मल राइस का बैटर भी बन के ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी कंटेनर में। अब मैं ग्राइंड करूँगी दाल को। ये दाल ओनली 2 आवर्स भिगा हुआ है। दाल को हमें ज़्यादा नहीं भिगाना चाहिए, जितना ज़्यादा भीगता है पानी उतना ऑब्जर्व करता है। हमें ग्राइंड करते समय और पानी ऐड करने से हमारा दाल का बैटर बहुत पतला हो जाएगा, जिससे हमारा इडली का बैटर परफेक्ट नहीं बनता है। तो आप कोशिश करिए पीसने की सिर्फ 2 घंटे पहले आप दाल को भिगो दें। अब मैंने यहाँ ग्राइंड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
अगर हमारा दाल ज़्यादा भीगा हुआ होता और मैं पानी इसमें ऐड करती तो ये एकदम पतला बनता, वो ठीक नहीं है। अब ये दाल ग्राइंड हो गया है, अब मैं इसको भी डाल रही हूँ कंटेनर में जिसमें अपना पहले का बैटर मैंने डाला हुआ है। अब सबको डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसमें हमें एक और चीज़ ये ध्यान में रखना है, हमारा बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लग रहा है, ये टाइट लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बराबर करूँगी। अब मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बैटर अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, इस कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। अब ये परफेक्ट है, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। हमें ग्राइंड करते समय नमक नहीं डालना चाहिए, हमें जब बनाना रहता है उसके पहले नमक बना के इडली या डोसा बनाएंगे। अब ये मेरा रात भर हो गया, नेक्स्ट डे है, आप देख सकते हो मेरा इडली और डोसे का बैटर एकदम परफेक्ट बन के रेडी है। आप इसे देख सकते हैं, ये एकदम गाढ़ा हो गया है, दुगना हो गया है और जालीदार दिख रहा है। परफेक्ट डोसे बैटर का सिम्टम ये है कि आपका डोसा बैटर दुगना हो जाएगा, फुला फुला हो जाएगा, जालीदार हो जाएगा, प्लस ये गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है। अगर अब आप इससे इडली या डोसा बना रहे हो तो आप इडली बना रहे हो तो ये परफेक्ट है, पर अगर आपको डोसा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करोगे, पानी ऐड करके आप इसको पतला करोगे, उसके बाद आप बनाओगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल का बटन भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।